Everyone. So the question here is, how did Hershey and Chase differentiate between DNA and protein in their experiment while proving that DNA is a genetic material? तो इस question में पूछा है जब Hershey and Chase ने ये experiment perform किया जिनमें उन्होंने prove किया कि DNA ही जो है वो genetic material होता है, तो वहाँ पे उन्होंने DNA and protein को किस तरीके से differentiate किया? So in early 20s biologists जो थे वो consider करते थे कि जो protein है वही जो है वो genetic material है, मगर 1952 में हर्शे और चेज ने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया और उन्होंने इस चीज को प्रूव किया कि जो डीएनए है वही जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है और यही जो है वो आगे ट्रेड्स को पास ऑन करता है, राइट? सो अगर हम हर्शे और चेज की एक्सपेरिमेंट की बात करें तो उन्होंने काम किया था बैक्टीरियोफाज में और इकोलाई में ये प्रूव करने के लिए कि डीएनए ही जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। तो जैसे हमें पता है कि जो डीएनए है, राइट, डीएनए कंसिस्ट ऑफ फास्फोरस, राइट, इट कंसिस्ट ऑफ फास्फोरस बट इट डज नॉट हैव सल्फर, राइट, व्हाइल प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ सल्फर एंड इट लैक्स फॉस्फोरस, राइट, ये चीज हमें पता है। तो उन्होंने बैक्टीरियोफाज और इकोलाई को जैसे मैंने बताया कि यूज किया, तो बैक्टीरियोफाज जो है वो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरियाज को और उसमें अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करता है और इसी तरीके से उसके अंदर फिर बैक्टीरिया में उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे क्या किया गया कि दो सेट बनाए गए, ओके, इस एक्सपेरिमेंट के दौरान दो सेट्स बनाए गए। तो पहला जो था उसमें क्या किया कि बैक्टीरियोफाज को ग्रो किया गया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस यानी P32 में, ओके, जो पहला सेट था यहाँ पे द बैक्टीरियोफाज इट वाज grown in the medium with radioactive phosphorus P32, while in the set 2 the bacteriophage was grown in radioactive sulfur, okay, it was grown in radioactive sulfur that was S35, okay, yahan pe do sets ho gaye, एक हो गया आपका जिसमें बैक्टीरियोफाज को ग्रो किया गया P32 में और दूसरा जो था सल्फर को सल्फर वाले रेडियो एक्टिव में उसे ग्रो किया गया, राइट। अब हमें ये तो पता ही है कि जो ये फास्फोरस वाला है इट विल कंटेन डीएनए, राइट, व्हाई, बिकॉज फास्फोरस जो है वो प्रोटीन में प्रेजेंट नहीं होता। वही सल्फर वाले में क्या आएगा, प्रोटीन आएगा, बिकॉज वी नो दैट डीएनए डजंट कंटेन सल्फर, राइट। तो इस तरीके से उन्होंने सेट में दोनों बैक्टीरियोफाज को ग्रो किया। नाउ इसके बाद क्या हुआ कि बैक्टीरियोफाज को अलाउ किया गया कि वो जो है वो बैक्टीरिया पे अटैक करे, ओके, वो बैक्टीरिया पे अटैक करे, तो बैक्टीरियोफाज ने अटैक किया। उसके बाद हुआ क्या कि द बैक्टीरियोफाज जो है उसे सेपरेट किया गया बैक्टीरियल सेल से ब्लेंडिंग के थ्रू और उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस जो है वो भी की गई। इसके बाद ऑब्जर्वेशंस क्या आए कि जो ये वाला पार्ट था, जो सेट वन था, जहाँ पे जो बैक्टीरिया था जिस विच वॉज अटैक्ड बाय द बैक्टीरियोफाज हैविंग रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, तो उस केस में हम वहां पे देखा गया कि वहां पे जो रेडियो एक्टिव P32 है वो डिटेक्ट हुआ सेल में, ओके, यहाँ पे जो था वो डिटेक्ट हुआ, रेडियो एक्टिव P32 वॉज डिटेक्टेड इन द सेल, ओके। बट ये वाला जो सेट टू था यहाँ पे जब देखा गया तो कोई भी रेडियो एक्टिव रेडियोएक्टिव S35 वाज डिटेक्टेड इन द सेल, ओके, और इस और जो रेडियोएक्टिव S35 था वो डिटेक्ट हुआ था सुपरनेट्रेंट में, व्हाइल कोई भी इस केस में कोई भी रेडियोएक्टिव डिटेक्ट नहीं हुआ सुपरनेट्रेंट में, ओके। सो इसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ये प्रूव किया गया कि जो डीएनए है वही जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल है और वही जो है वो आगे पास ऑन होता है। सो दिस वॉज द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। थैंक यू।